नमस्कार, तरुणा पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। ट्रिकी जीके में आज का हमारा टॉपिक है G8 समूह के सदस्य देश। G8 समूह के सदस्य देशों को आज हम एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि G8 है क्या। तो पहले उस पे थोड़ा विचार करते हैं। तो देखिए, G8 क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G8 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, मतलब कि इसमें कई देशों के समूह शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है स्थापना। G8 की स्थापना कब हुई? सन 1975 में फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन से देश के द्वारा? फ्रांस देश के द्वारा G8 की स्थापना की गई थी। कौन से सन में? 1975 में। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी स्थापना समूह 6 के नाम से की गई थी। क्या नाम से? समूह 6 के नाम से की गई थी। तो इसकी स्थापना समूह 6 के नाम से विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की गई थी। मतलब स्टार्टिंग में कितने देश थे? इसमें 6 देश थे, इसीलिए इसका नाम समूह 6 था। और वो 6 देश कौन से थे? जो विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्र हैं, उनकी सरकारों ने मिलकर इसकी स्थापना की। मतलब इसमें शुरू में सिर्फ 6 देश शामिल थे, जबकि वर्तमान में इसमें 8 देश शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट, जो शुरुआती राष्ट्र थे उनके नाम हम यहाँ पे देखेंगे। जो शुरुआती राष्ट्र कौन थे जब इसकी स्थापना हुई थी? तो उसमें था फ्रांस, जिसने खुद ने इसकी स्थापना की। फिर है जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 6 राष्ट्र हो गए। दोबारा देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये इसके शुरुआती राष्ट्र थे जब इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में वर्ष 1976 में कनाडा जुड़ गया इसके साथ। वर्ष 1976 में कनाडा इसके साथ जुड़ गया। फिर वर्ष 1998 में रूस भी इसके साथ जुड़ गया। 1976 में कौन जुड़ा? कनाडा। 1998 में कौन जुड़ा? रूस। तो ये 2 देश और शामिल हो गए। 6 देश पहले से शामिल थे, तो टोटल देश कितने हो गए? अब 8 देश शामिल हो गए इसमें। तो इसके बाद यह G8 बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें 8 देश शामिल थे। अब बात आती है इसके मुख्यालय की, कि G8 का मुख्यालय कहाँ पर है। तो G8 का मुख्यालय कहीं पे भी नहीं है। ये सभी देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि इनकी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होगी। तो इसका मुख्यालय कहीं पे भी नहीं है। अब बात आती है कि जो वर्तमान में देश इसके अंदर शामिल है, यानी कि वो 8 देश जो अब इसके अंदर शामिल है, उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। देखिए, जीजा कई बार फ्रांस आए। आपके जो जीजा हैं वो कई बार कहाँ आए? फ्रांस आए। ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो जी है, इस जी से हमें याद रखना है जर्मनी को। जी से याद रखना है जर्मनी को। जा से हमें याद रखना है जापान को। जा से हमें याद रखना है जापान को। कैसे हमें याद रखना है? कनाडा को। ई से हमें याद रखना है इटली को। ब से याद रखना है ब्रिटेन को। र से हमें याद रखना है रूस को। फ्रांस, जिसने इसकी स्थापना की थी, उसको हम इस प्रकार याद रख लेंगे। और अ से हमें याद रखना है अमेरिका को, ठीक है? दोबारा देखते हैं अब इसके अंदर कौन कौन से देश हैं। जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। ये 8 देश वर्तमान में G8 के समूह सदस्य देशों के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने G8 के सदस्य देशों को याद कर लिया है बहुत ही छोटी सी ट्रिक से। अगर आपको कहीं और कोई भी टॉपिक को याद करने में परेशानी हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे ही ट्रिक आपके लिए लेके आऊँगी और आपको जल्दी से जल्दी 2 ही मिनट में वो टॉपिक याद करवा दूंगी। तो बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।